My dear students, today we will discuss class 8 science, that is chapter number 13 sounds. Okay, and this is the part of physics. Okay, it is very easy topic. Okay, so last two topic of physics we already discussed, and you can watch that video also on my YouTube channels. Okay, and in this video we will discuss this whole chapters and whole explanation about the sounds, how sound is produced and how sound is travels. Okay, what kind of sounds, what type of instruments produces a sounds, and what are the main features or main characteristics of sounds, all these things. Okay, and what is the difference between music and noise. Okay, and all these things we will discuss in this video. So I request you, please see the whole video to better understand. Okay, so I welcome you on my YouTube channel, Sing Classes for Maths and Physics. Let's start the discussion of this chapters. Okay, so first we understand what is sound. Okay, because our chapter name is sound na, to sabse pehle sound ko samajhna bahut zaruri ho jata hai ki sound aakhir hota kya hai. So sound is a form of energy that produce the sensation of hearing in our ears. Matlab iska kya ho gaya ki sound ek tarah se ek kind of energy hai, ek type ka energy hai, jaise hamara मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, हीट एनर्जी, इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी है ना, वैसे ही साउंड भी एक एनर्जी है जो प्रोड्यूस करता है सेंसेशन को, सेंसेशन इन अवर ईयर्स, हमारे कानों में सुनने का जो है ना सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, क्षमता प्रोड्यूस करता है हमारा, हमारे कानों में ये जो है ना एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे कानों में मतलब एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जिससे हमें पता चलता है कि समथिंग इज देयर. तो ये एक टाइप के एनर्जी है. और एक चीज बता दे, एनर्जी जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर होती है ना. तो इस तरीके से साउंड भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर होता है, और एनर्जी को ट्रांसफर होने के लिए कहीं ना कहीं हमें कुछ मीडियम चाहिए रहता है. तो साउंड को भी ट्रांसफर होने के लिए हमें एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी. ये सब चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे. तो अभी आप इतना समझ लो कि साउंड एक हमारा एनर्जी है टाइप का जो हमारे कानों में सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, किसका, हियरिंग का. ठीक है, अब हम देखते हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है ना, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है. तो सिंपल सा डेफिनेशन है, एंड साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स. सिंपल सा है कि कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है. अगर सिंपली अब जैसे सपोज मान लो ये दो पेन है हमारे हाथ में, अब ये दोनों पेन जो है अभी वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं तो ये साउंड क्रिएट नहीं कर रहे. अब मैं इनको दोनों को वाइब्रेट कराऊं तो क्या करेंगे, साउंड प्रोड्यूस करते हैं. आप कोई भी चीज ले लीजिए, टेबल स्पून ले लीजिए, प्लेट ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, उसको आप इस तरीके से बीट करेंगे टेबल स्पून से तो वहां से एक साउंड प्रोड्यूस होगा, है ना. ट्यूनिंग फॉर्क ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो आप उसको जब बीट करते हैं ना, है ना, तो उससे क्या होता है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है. जनरली आपने देखा होगा स्कूल में एक बेल होता था और एक जो है ना स्टिक होती थी, उस स्टिक से जब हम उसको ऐसे करके बीट करते हैं ना तो वहां से एक साउंड निकलता है. और साउंड निकलता है कब निकलता है, जब हम उसको बीट किया. बीट करने का मतलब क्या हुआ, जैसे हम उसको बीट करते हैं तो वहां पे वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाते हैं, बहुत हल्के हल्के वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाते हैं, इससे वो क्या हो जाता है, साउंड प्रोड्यूस हो जाता है. तो कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, चाहे हमारा मेटल सीट हो, चाहे हमारा पेपर हो, चाहे क्लॉथ हो, आपने देखा होगा जनरली जो समर वेकेशंस में जो क्लॉथ हम जब ड्राई करने के लिए डालते हैं सनलाइट में, तो जब हमारे क्लॉथ जब एयर जो जोर जोर से फ्लो करता है ना, तो उस समय हमारा जो क्लॉथ है ना वो वाइब्रेट करने लगते हैं और उस वाइब्रेशन से एक साउंड प्रोड्यूस होता है. तो कोई भी चीज हो, एनी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड. अब ये जो वाइब्रेटिंग क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होता है, तो वाइब्रेशन भी हमें समझना रहता है. तो वाइब्रेशन क्या है कि वाइब्रेशन मींस ए काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजिशन. मतलब यानी कि वाइब्रेशन क्या है, एक तरह का रैपिड मोशन है. रैपिड का मतलब होता है फास्ट, है ना, रैपिड का मतलब होता है फास्ट. टू एंड फ्रो मोशन है, फास्ट है लेकिन टू एंड फ्रो मोशन है ना, ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजिशन. तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से. जैसे मीन पोजिशन में ये पेन है, मैं पेन को ऐसे चाहे कैसे भी करके लटका लू, सपोज मान लो हमने पेन ऐसे लटकाया, तो अभी ये रेस्ट कंडीशन में वाइब्रेशन नहीं कर रहा है, तो ये हो गया इसका मीन पोजिशन. अब मैं इसको ऐसे करके छोड़ूंगा, है ना, तो इसको इस तरीके से ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा, है ना. मैं इसको ऐसे रस्सी से बांध लूंगा, अगर मान लो इसमें हम होल करके थ्रेड से अगर मैं बांध लूंगा और इस तरह को ऐसे छोड़ेंगे ना, तो ये ऐसे करके ये
मोशन करने लगेगा। तो ये जो मोशन है ना, ये मोशन इस तरीके से मोशन को, इसी को हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। बात समझ में आ गई? तो टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है कि एक इसका ये मेन पोजीशन है, ये फिक्स्ड पोजीशन है, स्टेशनरी है। जब इसको हम थोड़ा सा डिस्टरबेंस करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो ये इस तरीके से वाइब्रेट होने लगता है। तो ये जो मोशन होता है, इसी मोशन को हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। समझ में आ गया? तो टू एंड फ्रो मोशन, जैसे हमारे कई सारे लोगों ने देखा होगा कि जो वॉल क्लॉक होता है ना, उसमें एक पेंडुलम लगा होता है वॉल क्लॉक में, तो पेंडुलम भी इस तरीके से मूव करता रहता है, है ना? तो वो भी हमारा टू एंड फ्रो मोशन हो जाता है। जनरली हम लोग खेलते भी है बचपन में, एक धागा लेते हैं, धागे में एक हम जो है ना पत्थर बांध देते हैं, पत्थर को भी कई बार ऐसे करके लटकाते हैं, ऐसे करके घुमाते रहते हैं। तो दीज आर द टू एंड फ्रो मोशंस। इस टाइप के मोशन को हम टू एंड फ्रो मोशंस बोलते हैं। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट का इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन होता है अबाउट इट्स मीन पोजिशन, मतलब ये मीन पोजिशन है, इसके दोनों तरफ बराबर जाता है ना, मीन पोजिशन के दोनों तरफ, तो अबाउट इट्स मीन पोजिशन, समझ गए ना? तो मीन पोजीशन के अबाउट इसका टू एंड फ्रो मोशन जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशंस, है ना? और जब वाइब्रेशन होगा तो हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से हमारा साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। आगे हम देखते हैं साउंड प्रोड्यूस बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि कई सारे ढेर सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आपने देखा होगा, देयर आर द ह्यूज रेंज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल इन द मार्केट, है ना? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग साउंड्स होता है। तो हम ये समझेंगे कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे किस कितने कैटेगरी के हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स। तो ये तो क्लियर हो गया है कि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, वो हमारा कोई भी कोई ना कोई पार्ट उनका वाइब्रेट करता है, तभी वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी बगैर वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। तो अब हम ये देखते हैं कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे कौन सा पार्ट वाइब्रेट करता है। तो जब इनके कोई ना कोई पार्ट वाइब्रेट करता है, तो उसके बेसिस पे हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कैटेगराइज किए हैं, है ना? तो क्या है, यहां पे देखेंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस साउंड एंड मेक म्यूजिक व्हेन पार्ट ऑफ इट वाइब्रेट्स रैपिडली। जब इनका कोई भी पार्ट जब वाइब्रेट करता है, तो ये साउंड जो है ना प्रोड्यूस करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर वाइब्रेशन, ये वाइब्रेटिंग पार्ट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल, यानी कि इनके वाइब्रेटिंग पार्ट के बेसिस पे बहुत सारे टाइप के जो है इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है मार्केट्स में। इनमें जो है मोस्ट पॉपुलर हमारे ये तीन है, सारे इंस्ट्रूमेंट इन्हीं तीन कैटेगरी में आ जाते हैं हमारे। तो ये है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट इनमें, यानी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब समझ में आ गया, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनमें उनका कोई एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब होता है रस्सी धागा जैसा, वो जो वाइब्रेट करता है ना, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। समझ में आ गया? जैसे हमारा वायलिन हो गया है ना, हमारा गिटार हो गया है, ये सब हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारे, इनमें एक स्ट्रिंग लगी होती है, उसको अपन इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं, तो वो वहां से साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट वन है विंड इंस्ट्रूमेंट। विंड इंस्ट्रूमेंट, विंड का मतलब क्या होता है, एयर, हवा। तो विंड इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है इनमें एयर का यूज करके साउंड प्रोड्यूस कर दिया जाता है, एयर का यूज करके या एयर प्रेशर का यूज करके साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एयर प्रोड्यूस कैसे होता है, तो इसमें ये हमारे डिफरेंट है, हमारे इसमें जो है ना ट्रम्पेट आ जाता है, हमारा सहनाई आ जाता है, फ्लूट आ जाता है, ये सब इसमें हमारे पास जाता है ना, फ्लूट, सहनाई, है ना, ट्रम्पेट, ये सारे हमारे विंड टाइप के इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या होता है, हम एयर इनके अंदर पंप करते हैं जैसे ही, तो एयर इसके अंदर क्या होता है, जो एक कॉलम होता है लंबा सा होलो पाइप रहता है, उसके अंदर एयर वाइब्रेट होती है। तो जब उसके अंदर एयर वाइब्रेट होती है ना, तो वो क्या हो जाता है, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। हम इनको वन बाय वन करके डिटेल में भी समझेंगे, ठीक है? नेक्स्ट वन है पर्क्यूशन इंस्ट्रूमेंट। तो पर्क्यूशन इंस्ट्रूमेंट हमारे कैसे होते हैं, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको बीट किया जाता है, बीट करके, जैसे तबला है हमारा, कोंगो है ना, वो सब जो है ना हमारे क्या है, ये पर्क्यूशन इंस्ट्रूमेंट में आ जाते हैं। इनमें क्या होता है कि इनमें क्या पार्ट वाइब्रेट करता है, तो इनमें एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन होता है। तबले में आपने देखा होगा ऊपर एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन होता है, जब उसको बीट करते हैं ना, ये कॉन्गो में भी स्ट्रेच मेम्ब्रेन होता है। स्ट्रेच मेम्ब्रेन का मतलब उसके ऊपर एक ऐसी लेयर होती है जो स्ट्रेच रहती है, टाइट रहती है, उसको टाइट लूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड्स, अकॉर्डिंग टू द साउंड, और जब उसको बीट करते हैं तो एक डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे साउंड्स जिसमें स्ट्रेच मेम्ब्रेन को बीट करने से साउंड प्रोड्यूस होता है, वो पर्क्यूशन इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। अब हम इनको, ये इस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, इनको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? स्टूडेंट्स, दे आर द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ओके? सो वी विल स्टडी वन बाय वन। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है ना, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, दे आर द थ्री टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है ना, बेंड इंस्ट्रूमेंट एंड पर्क्यूशन इंस्ट्रूमेंट। सो नाउ वी डिस्कस
string instrument. String instrument means they produce sound by vibration of stretched string. यानी कि इनके example है guitar, violin, sitara, piano, etc. ये जो string जिनमें क्या होता है एक string होती है वो stretch रहती है ना उसको plucking करते हैं या फिर जो एक जो string होता है उसको इस तरीके से blow करते हैं ना तो उससे क्या होता है ना string के ऊपर तो उससे ये sound produce करते हैं तो हमारा जो guitar है ना guitar में क्या होता है हम स्ट्रिंग को प्लकिंग करते हैं तो उससे हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है ना दिस इज डन बाय आइदर बाय प्लकिंग द स्ट्रिंग्स प्लकिंग करते हैं या फिर एक जो है इसको स्टिक को ऐसे करके ब्लो करते हैं जो वायलिन है हमारा जो ओल्ड फैशन वाला जो इंस्ट्रूमेंट है ना उसमें तो साउंड ऑफ डिफरेंट म्यूजिकल नोट्स डिपेंड ऑन द लेंथ थिकनेस एंड टाइटनेस ऑफ द स्ट्रिंग यानी कि जब हम उसकी स्ट्रिंग को टाइट करते हैं या लूज करते हैं या जो है थिक स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं या थिन स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं ये सब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट नोट्स के जो है ना हमारे साउंड्स जो है प्रोड्यूस होते हैं अगर आप ज्यादा टाइट कर दोगे तो डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होगा लूज कर दोगे तो डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होगा लेंथ को लॉन्ग कर दोगे तो अलग साउंड प्रोड्यूस होगा शॉर्ट कर देंगे तो अलग साउंड प्रोड्यूस यानी कि डिफरेंट नोट्स ऑफ साउंड या डिफरेंट टोन भी कह सकते हैं आप उसको नोट कह लो या फिर टोन कह लो तो वो जो है किस पे डिपेंड कर रहे हैं ना उसकी स्ट्रिंग की लेंथ थिकनेस और टाइटनेस पे इस पे ये डिपेंड करते हैं एग्जांपल्स आपको पता ही है ना गिटार वायलिन सितारा पियानो एक्सेट्रा है ना ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपके माइंड में पिक्चर्स तो आई गई होगी ठीक है नेक्स्ट वन है विंड इंस्ट्रूमेंट विंड इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है दे प्रोड्यूस साउंड बाय वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम है ना वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम मतलब क्या होता है इसमें कि जो हमारे इसके एग्जांपल हमारे ट्रम्पेट है ना सहनाई है फ्लूट है तो इसमें क्या होता है इनमें क्या होता है जब अपन उसके अंदर एयर ब्लो करते हैं ना तो जो होल रहता है हमारा ब्लो होल रहता है उसके अंदर पूरा छेद रहता है उसमें एयर का वाइब्रेशन होता है इसमें कोई पार्ट वाइब्रेट नहीं करता है ना ट्रम्पेट हो या हमारा जो है ना फ्लूट हो सहनाई हो इनमें कोई भी पार्ट इन इंस्ट्रूमेंट में कोई ज्यादा पार्ट होता ही नहीं है पहली बात और होता भी तो वो वाइब्रेट नहीं करता है इनमें एयर वाइब्रेट करती है उसके अंदर जैसे ही हमने एयर इसके अंदर फिल मतलब भरी तो वो एयर जो है प्रेशर के साथ में जाती है उसमें वाइब्रेट करती हो जाती है फिर उनको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर उनको रिलीज करते हैं तो उसके हिसाब से साउंड प्रोड्यूस होता है इनके अंदर ठीक है नेक्स्ट वन है पर्क्यूशन इंस्ट्रूमेंट परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट पता ही है दे प्रोड्यूस साउंड बाय वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन व्हेन बीटन स्टक और स्क्रैप्ड मतलब ये है कि परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट में जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन होता है जैसे हमारे कॉन्गो में है या फिर तबला में है तो जब उसको अपन बीट कर दे बीट हमारा चाहे स्टिक से करो चाहे हैंड से करो किसी से भी हम बीट कर सकते हैं है ना तो लिखा भी है ना बीटन स्ट्रक और स्क्रैप्ड कैसे भी करके आप उनको वाइब्रेट करवाओगे स्ट्रेच मेम्ब्रेन को तो वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन क्या करेगा वाइब्रेशन होने से साउंड प्रोड्यूस कर देता है इनमें बहुत सारे देखिए तबला है कॉन्गो है गोंग है ड्रम है ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं जो हमारे परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट आते हैं तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज वाइब्रेटिंग प्रोड्यूसिंग साउंड इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा पार्ट इंस्ट्रूमेंट का क्या वाइब्रेट करता है फ्रेंड्स दिस इज द साउंड प्रोड्यूस बाय द ह्यूमंस ओके वी आर ह्यूमन बींग्स सो हाउ वी प्रोड्यूस द साउंड्स है ना साउंड कहां से प्रोड्यूस होता है ये हमें पता चल गया कि साउंड जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है ओके बट हम ह्यूमन बीइंग्स कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं हम वो चीज को समझते हैं है ना तो इसके डायग्राम्स आप देख सकते हैं आराम से है ना डायग्राम्स में आप देखेंगे अपने ये जो थ्रॉट होता है ना थ्रॉट यहाँ पे वोकल कॉर्ड होता है यानी एक वॉइस बॉक्स होता है क्या होता है एक वॉइस बॉक्स बॉक्स मीन्स यानी एक स्पेस होता है यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट होता है तो उस स्पेस को पूरे बॉक्स को हमने बोल दिया है वॉइस बॉक्स जहां से ये वॉइस जनरेट होती है तो दैट इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स ओके तो इस वॉइस बॉक्स के अंदर क्या होता है टू वोकल कॉर्ड्स होते हैं इस तरीके से ये है ना वोकल कॉर्ड्स जो है वो क्या करते हैं ये स्ट्रेच रहते हैं वोकल कॉर्ड्स है ना वॉइस बॉक्स के अंदर टू वोकल कॉर्ड्स जो है ना स्ट्रेच रहते हैं कुछ इस तरीके से मान लीजिए ये दो वोकल कॉर्ड मान लें इनके बीच का जो स्पेस होता है ना इसको बोलते हैं स्लिट समझ गए दो वोकल कॉर्ड के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं स्लिट जब लंग्स जो है एयर जो है ना वहां से प्रेस करता है एयर पैसेज होती है लंग्स से तो जब वो लंग्स जो है वो एयर को फोर्स करेगा या वहां से वो पुश करेगा तो वो एयर जो है वो इन वोकल कॉर्ड के ऊपर आके स्ट्राइक करेगी वो वोकल कॉर्ड के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो ये जो वोकल कॉर्ड है उस एयर की वजह से उस एयर प्रेशर की वजह से जो लंग्स ने एयर प्रेशर डाला था ना उसकी वजह से ये वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं
तो जब ये वाइब्रेट शुरू होते हैं तो यहां से एक साउंड जनरेट होता है, वो साउंड हमारा टंग और पूरा माउथ को मतलब पूरा साउंड को पूरा एक मतलब मीनिंग देते हुए वो आउटसाइड हो जाता है ना। तो इस तरीके से वॉइस बॉक्स के अंदर वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन से हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है, हम ह्यूमन बींग्स के अंदर की बात करते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको समझ लेते हैं। द लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स इज द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो हमारा वॉइस बॉक्स के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। इट इज लोकेटेड द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, विंड पाइप जो हमारा एयर इन और आउट जो होता है ना, वो विंड पाइप होता है, वहां पे ये अपर एंड पे ये कनेक्ट रहता है। टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स, जो वॉइस बॉक्स है उसमें दो वोकल कॉर्ड स्ट्रेच रहते हैं, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। ए नैरो स्लिट इज प्रेजेंटेड बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स फॉर द पैसेज ऑफ एयर व्हेन लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट्स, तो जब हमारा लंग्स क्या करता है, एयर को फोर्स करता है, तो वो जो फोर्सेड एयर है वो फोर्सेस एयर हमारे स्लिट्स तक यानी कि वोकल कॉर्ड तक पहुंचती है, उस एयर जो पास होती है स्लिट से बीच में जो स्पेस है उससे पास होगी तो ये वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं, तो वो वाइब्रेशन से क्या होता है फिर हमारा साउंड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, डायग्राम में वोकल कॉर्ड का जो है आप देख रहे हैं, है ना। इस तरीके से आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी डायग्राम्स में देख सकते हैं, ठीक है। तो टाइटर द वोकल कॉर्ड्स हायर द वाइब्रेशंस, यानी अगर आपकी वोकल कॉर्ड टाइट ज्यादा है, मतलब लूज हो सकती है टाइट हो सकती है, तो टाइट अगर ज्यादा रहेगी तो आपका जो वाइब्रेशन है वो ज्यादा होंगे, और वाइब्रेशन ज्यादा होंगे तो हायर साउंड प्रोड्यूस होता है ना। और वोकल कॉर्ड को टाइट करने के लिए हमारा एक मसल्स जो है इसे इंक्लूड रहता है, मतलब कनेक्टेड रहता है वोकल कॉर्ड से, वो मसल्स हमारा इस वोकल कॉर्ड को टाइटन और लूज करता है। तो ज्यादा टाइट होगा हमारा वोकल कॉर्ड तो ज्यादा वाइब्रेशन होगा, लूज होगी वोकल कॉर्ड तो वाइब्रेशन कम होंगे। तो यही वजह है कि जो मैन हैव द लॉन्गर वोकल कॉर्ड्स, तो मैन जो है वो लॉन्गर वोकल कॉर्ड होती है, तो वो लॉन्गर वोकल कॉर्ड होगी वो थोड़े कंपैरेटिवली लूज हो जाती है ना, और जो शॉर्ट वोकल कॉर्ड होती है वो कंपैरेटिवली टाइट ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए जो है विमेन एंड चिल्ड्रंस है ना, इनका वो जो वोकल कॉर्ड होता है वो छोटा होता है, तो छोटा होने से मतलब वो टाइट हो जाता है, और इसी वजह से विमेन एंड चिल्ड्रन प्रोड्यूस साउंड ऑफ हायर फ्रिक्वेंसी देन मैन। तो यही कारण है कि मैन और विमेन और चिल्ड्रन जो है वो ज्यादा लाउड साउंड या हायर फ्रिक्वेंसी का साउंड जो है ना प्रोड्यूस करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि चिल्ड्रन का जो वॉइस है तो वो बहुत शार्प होता है, कारण यही है कि उनका वॉइस बॉक्स छोटा होता है, जो वोकल कॉर्ड है वो थोड़े छोटे होते हैं, तो ज्यादा फ्रिक्वेंसी होती है, और ज्यादा फ्रिक्वेंसी होने से साउंड जो है ना वो लाउडर हो जाता है ना। और जैसे जैसे एडल्ट हो जाते हैं ना मैन, तो उसमें क्या होता है वो जो वॉइस वोकल कॉर्ड है ना वो थोड़ा सा लॉन्गर होता जाता है, इस वजह से वो जो है ना वाइब्रेशन कम हो जाते हैं और साउंड क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, या फिर ये कहेंगे हमारा लाउडनेस थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ओके, सो दिस इज द ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन बींग्स। यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो द वोकल कॉर्ड्स है ना, इस तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ साउंड इज ट्रेवल है ना। तो हमने ये देख लिया कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, ह्यूमन बींग्स कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ साउंड ट्रेवल्स, यानी कि एक प्लेस से साउंड दूसरे प्लेस तक कैसे मूव करता है। जब एक क्लास में टीचर पढ़ाता है तो सारे बच्चों तक साउंड कैसे पहुंचता है, या कोई एक जो है ना लीडर जो है स्पीच दे रहा होता है, या कोई भी जो है अगर बात करें कि कुछ डिस्टेंस पर अगर मान लीजिए एक टेलीविजन रखा हुआ है उसका हम साउंड जो है ना सुन सकते हैं, या रेडियो फोन रखा हुआ है, तो कोई भी चीज है साउंड हमें मतलब एक प्लेस पे हम खड़े हैं तो दूसरे प्लेस से साउंड आ रहा है तो वो हमें सुनाई दे रहा है, तो साउंड कैसे ट्रेवल कर रहा है ना, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो साउंड है वो कैसे ट्रेवल कर रहा है ना, साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या हेल्प कर रहा है, कौन हेल्प कर रहा है, तो वो सब चीजें हम जो है इसमें समझते हैं, है ना। तो साउंड वेव इज ए मैकेनिकल वेव्स, यानी कि एक मैकेनिकल वेव्स होते हैं। मैकेनिकल वेव्स का मतलब होता है कि ऐसे वेव्स जो मीडियम के बगैर जो है ना ट्रांसफर नहीं कर सकती, यानी कि उनको ट्रांसफर होने के लिए या उनको प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, बगैर मीडियम के जैसे वो कहीं जा ही नहीं सकते, तो वैसे मैकेनिकल वेव्स होते हैं। तो मैकेनिकल साउंड वेव एक तरह का मैकेनिकल वेव्स होता है ना। ए वेव्स इज ए डिस्टर्बेंस दैट कैरियर्स एनर्जी विदाउट कैरिंग द मटेरियल विथ इट, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमेशा इसमें कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट कि साउंड वेव जो ट्रेवल कर रहा है तो एनर्जी जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर एक्चुअली नहीं होती है। उसमें होता क्या है कि जब हमारे पास जैसे मान लो एयर है तो एयर का मॉलिक्यूल्स है, मैं यहां से अगर कुछ भी बोलूंगा तो हमारे पास जो सबसे पहला एयर मॉलिक्यूल्स होगा तो हमारा जो साउंड एनर्जी होगा वो उस मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर हो जाएगा,
उस मॉलिक्यूल्स वो वाइब्रेट करेगा, वो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेगा, वो एनर्जी अदर वाले मॉलिक्यूल्स को दे देगा, वो अदर वाले मॉलिक्यूल्स को। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एक रिले रेस होता है, रिले रेस में रिले क्या होता है, एक रनर जो होता है वो दूसरे को रिले थमा देता है, दूसरा रिले थर्ड को, इस तरीके से वो फाइनल जो डेस्टिनेशन पे पहुंचता है वो अलग पर्सन होता है और जो रिले को स्टार्ट करता है वो अलग पर्सन होता है। तो वैसे ही जो पर्सन जो रिले रेस में पार्टिसिपेट करते हैं वो मान के चलो हमारे मीडियम के पार्टिकल हो जाते हैं, है ना, और जो उसको बैटल को जो ले जाते हैं ना, वो बैटल यानी हमारा साउंड वेव हो गया, साउंड एनर्जी हो गया। तो यानी कि मीडियम के पार्टिकल क्या होते हैं, ये पार्टिकल इसको एनर्जी दिया, वो पार्टिकल उसको एनर्जी दिया, इस तरीके से वो पार्टिकल्स नियर बाय पार्टिकल्स को एनर्जी देते चले जाते हैं और वो साउंड जो हमारा एनर्जी है वो ट्रेवल होता चला जाता है। इस तरीके से मटेरियल को कैरी नहीं करते, साउंड यानी जो डिस्टर्बेंस है वो कैरी होते हैं हमारे, ठीक है। द वाइब्रेटिंग बॉडी ट्रांसफर इट्स एनर्जी द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, जो वाइब्रेटिंग बॉडी होती है वो क्या करती है, अपने पास वाले मॉलिक्यूल्स को एनर्जी ट्रांसफर कर देती है इन ए मीडियम। सो जो भी मीडियम का हमारा मॉलिक्यूल से मीडियम होता है, विच टर्न्स पास द एनर्जी थ्रू द अदर मॉलिक्यूल्स, फिर वो क्या करता है दूसरे को पास कर देता है, दूसरा क्या करता है तीसरे को। इस तरीके से साउंड वेव जो है सोर्स से डेस्टिनेशन का हो या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि कितनी भी दूर पे जैसे कोई भी अगर कुछ बोल रहा होता है तो हमें वो सुनाई दे जाता है, लेकिन इसमें कुछ टाइम भी लग सकता है ना, एकदम तुरंत सुनाई नहीं देता लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। तो क्योंकि साउंड ट्रेवल करेगा, एनर्जी जो है ना वो ट्रेवल कर रही है तो उसको कुछ टाइम लगता है ना। तो इस तरीके से जो है ना साउंड ट्रेवल करता है, यानी कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, बगैर मीडियम्स के साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि साउंड नीड ए मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, साउंड नीड ए मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब होता है ट्रेवल करना, ठीक है ना, प्रोपोगेशन का मतलब होता है ट्रेवल करना। तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, यानी कि अभी हमने बताया कि मीडियम अगर होगा तो साउंड ट्रेवल कर जाएगा, विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट ट्रेवल्स। तो साउंड वेव रिक्वायर्स ए मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। वैक्यूम जैसे कि क्योंकि वहां पे कोई एयर नहीं है, वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां पे कोई पार्टिकल्स नहीं है, है ना। तो साउंड क्या करता है, एनर्जी क्या होती है, वो नियर बाय मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देते हैं, फिर वो नेक्स्ट को दे देते हैं। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे तो वो एनर्जी को जैसे कैरी कर देते हैं, लेकिन अगर वैक्यूम है इसका मतलब वहां पे कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है, कोई एयर पार्टिकल्स नहीं है। तो जब कोई मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स ही नहीं है तो साउंड कैसे ट्रेवल होगा, साउंड एनर्जी अपने आप तो खुद ट्रेवल होती नहीं है, ये तो मीडियम के पार्टिकल के थ्रू ट्रेवल होती है। तो यानी कि वैक्यूम में जब कोई मीडियम मतलब पार्टिकल ही नहीं होते तो साउंड वेव भी ट्रेवल नहीं कर सकती। यानी कि अगर हम बात करें जैसे मून सरफेस है, मून सरफेस पे वैक्यूम एटमॉस्फेयर नहीं है, है ना। तो मून सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, इसका मतलब देयर इज नो एयर ऑन द मून सरफेस, मून सरफेस के ऊपर कोई एयर नहीं है, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मून सरफेस पे कोई दो पर्सन अगर खड़े होकर बात करेंगे तो वो एक दूसरे की बात को नहीं सुन सकते, क्योंकि वहां पर वो साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकता। लेकिन अर्थ सरफेस के ऊपर हम खड़े होकर आराम से बात कर पा रहे हैं, एक दूसरे की बात शेयर कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एयर जो है ना वो हमारे और आपके बीच में मीडियम का काम करती है। तो एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो साउंड वेव को, साउंड एनर्जी को कैरी करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ए साउंड कैन ट्रेवल थ्रू गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड एट डिफरेंट स्पीड्स, यानी कि साउंड वेव जो होता है वो गैसेस में भी ट्रेवल कर सकता है, सॉलिड में भी ट्रेवल कर सकता है और लिक्विड में भी ट्रेवल कर सकता है, लेकिन इनकी स्पीड जो है ना सब में अलग अलग होती है। साउंड वेव की स्पीड जो है गैस में अलग होती है, लिक्विड में अलग होती है और सॉलिड में अलग होती है ना। यानी कि सबसे ज्यादा जो होता है साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन द सॉलिड्स एंड स्लोएस्ट इन द गैसेस। तो साउंड की जो स्पीड है सबसे ज्यादा होती है कहां पे होती है, सॉलिड में। सॉलिड मीडियम में साउंड बहुत फास्ट ट्रेवल करता है और लिक्विड मीडियम में साउंड गैस मीडियम में साउंड सबसे स्लोएस्ट जो है ना ट्रेवल करता है। यानी कि गैसेस का मतलब क्या हो गया, जैसे एयर हो गया, सॉलिड का मतलब क्या हो गया, कोई वायर हो गया, वायर के थ्रू टेलीफोन वायर आपने देखा होगा, ओल्ड फैशन में टेलीफोन वायर चलता था ना, टेलीफोन वायर वाला, तो उसमें क्या होता है उसमें भी साउंड वेव हमारा बहुत फास्ट ट्रेवल करता है, है ना। अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसको अलग तरीके से हम जो है ना उसको सेंड करते हैं, लेकिन पहले टेलीफोन चलते थे जो है वायर वाले, तो उसमें क्या होता था कि हमारी जो वॉइस है वो एक वायर के थ्रू दूसरे जो है ना डेस्टिनेशन तक पहुंचती थी। तो सॉलिड मीडियम में भी हम इस चीज को जो है ना हमारा साउंड वेव फास्टेस्ट ट्रेवल करता है। ये चीज को हम चाहे तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस किस तरीके से कर सकते हैं कि हमें इसके लिए एक स्टॉपवॉच की जरूरत पड़ेगी,
और एक मान लीजिए एक वायर है, वायर की जरूरत पड़ सकती है या थ्रेड की जरूरत पड़ सकती है, तो आप इस चाहो तो इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हो। जैसे नॉर्मली दो लोग हैं वो एक डिस्टेंस पे खड़े हो जाते हैं, है ना, मान लो 500 मीटर का डिस्टेंस या 100 मीटर का डिस्टेंस हो जाता है, तो एक यहां से बोलेगा दूसरा सुनेगा, तो वहां पर टाइम नोट कर लेगा कि कितनी देर बाद उसने जो है उसको आवाज सुनाई दी। फिर वही चीज एक वायर ले लो वहां से वहां तक, वायर के थ्रू बोलेगा वो उधर लगाएगा तो वायर के थ्रू देखेगा, तो वायर के थ्रू जब बोलता है तो वो थोड़ा सा फास्ट पहुंच जाता है, है ना। ये चीज प्रैक्टिकली प्रूफ है, तो आप टेंशन नहीं लेना है, आप बस इतना समझ लो कि सॉलिड मीडियम में साउंड जो है ना ज्यादा फास्ट ट्रेवल करता है सबसे ज्यादा, और गैस मीडियम जो है ना सबसे कम करता है। ये कारण, इसके लिए मैं एक एग्जांपल और देता हूं, पहले से पहले ये लाइन बता दूं, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 332 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जनरली एयर जो है, एयर में 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका स्पीड जो है ना वो 332 मीटर पर सेकेंड हो जाता है ना। मीडियम्स अगर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी स्पीड थोड़ी सी कम ज्यादा हो सकती है, वेरिएशन करता है स्पीड टेम्परेचर के साथ में, लेकिन उतना नहीं करेगा। मैं एक आपको एक जब सबसे बेस्ट एग्जांपल एक देना चाहता हूं कि आपने थंडरिंग देखा होगा, लाइटनिंग और थंडरिंग दोनों होते हैं, है ना। तो लाइटनिंग और थंडरिंग दोनों होते हैं, तो आपको एक चीज ध्यान दिया होगा कि लाइटनिंग हमको पहले दिखाई दे जाती है और थंडरिंग यानी कि जो साउंड आता है वो थंडर का, वो हमको थोड़ी देर बाद सुनाई देता है। लाइटनिंग पहले दिख जाएगा, थंडर साउंड बाद में आएगा। क्यों? क्योंकि इससे क्या चीज प्रूफ होता है कि जो लाइट होता है, लाइट वो बहुत फास्टर ट्रेवल करता है, है ना, और जो साउंड वेव होती है ना वो थोड़ा सा स्लोअर ट्रेवल करता है। यानी कि लाइट वेव यानी सनलाइट है, तो सनलाइट भी तो सन से अर्थ तक पहुंचती है तो वो बहुत फास्ट ट्रेवल करती है, वैसे ही लाइटनिंग जब होती है ना तो वो भी एक लाइट एनर्जी हो गया, तो लाइट एनर्जी ट्रेवल्स मच फास्टर देन द साउंड एनर्जी इन एयर। तो एयर में लाइट एनर्जी बहुत फास्ट मूव करती है एज कंपेयर टू द साउंड एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है छोटा सा एक्सप्लेनेशन हमारा कि साउंड कैसे जो है ट्रेवल करेगा और साउंड को मीडियम की जरूरत क्यों पड़ती है। तो बगैर मीडियम के साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है, ये चीज आप अच्छे से समझ लेना। प्लीज स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस दिस थिंग्स, वी हियर साउंड थ्रू अवर ईयर्स। यानी कि अब हम जो है ना स्ट्रक्चर ऑफ ईयर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर ऑफ ईयर है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। आउटर पार्ट से जो है उसको हम बोलते हैं पीना या आउटर ईयर, उसके बाद एक कैनल फॉर्म होता है वहां तक ईयर ड्रम तक जाएगा, फिर वो जो है आप देखेंगे तो मिडिल ईयर है, वहां पे वो वाइब्रेशन स्टार्ट कन्वर्ट हो जाते हैं और वो वाइब्रेशन जो है इनर ईयर में जाते हैं। इनर ईयर क्या करता है, उस वाइब्रेशन को जो है इंपल्स में कन्वर्ट कर देता है, नर्व इंपल्सेस में कन्वर्ट कर देता है, है ना। तो हमारा ईयर जो है ना, ये जो बाहर का पार्ट आपने देख रहा है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं पीना, आउटर ईयर है ये जो बाहर से। इसका काम क्या होता है हमारा कि बाहर से साउंड को कलेक्ट करना और उसको कन्वर्ट करके ब्रेन को भेजना, समझ गए। तो ब्रेन को जो भेजते हैं पूरी प्रोसेस होती है, यानी कि बाहर से साउंड को कलेक्ट करना, फिर पूरा प्रोसेस करने के बाद ब्रेन को भेजना, ये जो पूरी प्रोसेस है इसको बोलते हैं हियरिंग प्रोसेस। क्या बोलेंगे इसको? हियरिंग, है ना। तो इस तरीके से हमारा जो ईयर है वो थ्री मतलब पार्ट्स में ब्रेक करके हम इसको समझ सकते हैं, तो ठीक है ना। तो पहले अपन समझते हैं, वी हियर साउंड व्हेन इट रीच्स अवर ईयर्स। जब हमको सुनाई देता है कानों तक तो हम उस चीज को सुनते हैं। अवर ईयर आर इन चार्ज ऑफ कलेक्टिंग साउंड्स। इंचार्ज यानी कि जैसे कोई इंचार्ज बना देते हैं ना, किसी डिपार्टमेंट का इंचार्ज है, वैसे तो हमारे कान का इंचार्ज हम इनको दे दिया है, ये साउंड को कलेक्ट करते हैं, ये इनका ये जो ही काम है साउंड को कलेक्ट करते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं एंड सेंडिंग साउंड सिग्नल टू द ब्रेन। यानी प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस उसमें क्या करते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे और वो ब्रेन को भेज देते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम हियरिंग प्रोसेस। तो हियरिंग प्रोसेस क्या होता है, यानी कि कलेक्शन ऑफ साउंड्स बाय द ईयर्स एंड प्रोसेसिंग देम, एंड दैट आफ्टर प्रोसेसिंग वी गेट द साउंड सिग्नल्स एंड दैट सिग्नल सेंड टू द ब्रेन। सो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड द हियरिंग, क्लियर। अब हम अपने ईयर के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे जो ईयर है आपने देख सकते हो डायग्राम में कि ये थ्री पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, ठीक है। तो अब अपन एक एक करके समझते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ईयर्स। आउटर ईयर, द आउटर ईयर इज कॉल्ड पीना, इस आउटर ईयर को हम पीना भी बोल सकते हैं, आप डायग्राम में भी देख सकते हो। इट इज फाउंड, है ना, इट इज फनल शेप्ड, एंड एक्चुअली ये फनल शेप्ड है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, है ना। इट इज फनल शेप्ड एंड इट्स मेन जॉब इज टू कलेक्ट साउंड। फनल शेप का मतलब क्या होता है, ये देखेंगे अपने कान में एक होल जैसा रहता है, है ना, तो होल जैसा रहता है वो, यानी कि वो फनल, यानी कि एक तरह से कैनाल जैसा नहीं हो जाता है सीधा, तो वो उसको अपन फनल शेप बोल देते हैं। एंड इट्स जॉब इज टू कॉल्ड
कलेक्ट द साउंड। तो इसका काम क्या है, हमारा जो पिना है या आउटर ईयर क्या करता है, ये बाहर से जो भी साउंड वेव्स होते हैं उनको कलेक्ट करता है और वो जो फनल होती है, कैनल होती है, जो उस कैनल के थ्रू उसको सेंड कर देता है। कहां सेंड करता है, मिडिल ईयर तक। तो वो जो कैनल के थ्रू सेंड करेगा जो साउंड सिग्नल बाहर से कलेक्ट करेंगे तो वो मिडिल ईयर तक पहुंच जाते हैं। अब मिडिल ईयर क्या करता है, चलिए देखते हैं। मिडिल ईयर इट कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू वाइब्रेशंस। मिडिल ईयर जो क्या करता है, वो जो साउंड वेव पहुंचा कैनल के थ्रू, उस साउंड वेव को वो वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो टू डू दिस, यानी कि ये काम करने के लिए, इट हैज अ थिन मेम्ब्रेन स्ट्रेच टाइटली एट द एंड ऑफ द ईयर कैनल। तो जो ईयर कैनल होती है उसके एंड पे ये हमारा थिन मेम्ब्रेन स्ट्रेच रहता है। थिन मेम्ब्रेन यानी कि इस तरीके से एकदम स्ट्रेच रहता है, जैसे हमारे हमने बताया था आपको डम में, कॉन्गो में, ये जो एक थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन होता है, इस टाइप से वहां पे मेम्ब्रेन होता है हमारे ईयर के अंदर, जिसको अपन कान का पर्दा बोलते हैं। अगर लोकल लैंग्वेज में बात करें, डॉक्टर लोग बोलते हैं कान का पर्दा खराब हो गया, कान का पर्दा फट जाता है, इसका मतलब वहां वाइब्रेशन बंद हो जाएंगे, वाइब्रेशन बंद हो जाएंगे तो हमको सुनना बंद हो जाता है। तो वो कान का पर्दा, थिन मेम्ब्रेन स्ट्रेच होता है ना, उसको अपन बोलते हैं कान का पर्दा, है ना। तो इस तरीके से दिस इज कॉल्ड द ईयर ड्रम। तो इसमें बोलते हैं हम ईयर ड्रम, और नॉर्मल लैंग्वेज हम बोल देते हैं क्या, उस थिन स्ट्रेच स्क्रीन को ईयर ड्रम बोलते हैं और हम उसको पर्दा बोल देते हैं। तो जैसे यदि ये पर्दा है हमारा कान का, ये मिडिल ईयर में लगा हुआ है, और जैसे यहां से कैनल के थ्रू ऐसी साउंड गया यहाँ पे, तो ये वाइब्रेट ऐसे होना शुरू हो जाता है। अब जब ये वाइब्रेशन होगा तो इधर अलग एक सिस्टम लगा है, इधर से आउटर ईयर है, इसलिए यहाँ पे फोर्स मतलब साउंड वेव यहाँ डाल दिया, ये कन्वर्ट कर देगा वाइब्रेशन में, वाइब्रेशन कन्वर्ट कर दे, वाइब्रेशन को कलेक्ट करने के लिए अलग से नर्व सिस्टम अलग लगे हुए हैं। तो ये जो वाइब्रेशन होते हैं, जैसे ईयर ड्रम ने क्या किया, साउंड वेव्स को वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। अभी जो वाइब्रेशन आए हैं वो वाइब्रेशन थर्ड यानी कि थर्ड पार्ट यानी इनर ईयर की तरफ हम उसको भेज देते हैं। तो अब आता है इनर ईयर का वर्क। तो इनर ईयर रिसीव्ड वाइब्रेशंस फ्रॉम द मिडिल ईयर, यानी कि जो वाइब्रेशन मिडिल ईयर ने प्रोड्यूस किए थे उसको वो रिसीव कर लेता है एंड कन्वर्ट देम इनटू नर्व इंपल्सेस। नर्व इंपल्सेस का मतलब होता है ये एक तरह के सिग्नल्स होते हैं जो हमारे सिग्नल जो हमारा माइंड है वो एग्जीक्यूट करता है, तो उस फॉर्म में इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी बोल सकते हैं इनको हम, है ना, विच आर ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन बाय द ऑडिटरी नर्व। तो हमारा जो इनर ईयर है उसका एक पार्ट हमारा ऑडिटरी नर्व जो होता है ना, वो हमारे सीधा ब्रेन तक कनेक्ट होता है। तो जो रिसीव हमारे वाइब्रेशन हुए थे इनर ईयर के वजह से, मतलब उसके माध्यम से, तो वो जो वाइब्रेशन को इंपल्सिस में, नर्व इंपल्सिस में कन्वर्ट कर देता है। नर्व इंपल्स का मतलब सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो वो सिग्नल जो है नर्व सिस्टम के थ्रू, ऑडिटरी नर्व के थ्रू, वो हमारा ब्रेन तक भेज दिया जाता है। फिर ब्रेन उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर वहां से वो मैसेज निकालता है कि ये क्या साउंड है, कैसा साउंड है, क्या नहीं है। तो ये सारी प्रोसेस जो है ना वो हमारा ब्रेन जो है ना करता है इस तरीके से। तो हमारा ईयर का काम क्या होता है, साउंड को कलेक्ट करना, साउंड फिर जो है बाहर का पार्ट हमारा साउंड को कलेक्ट करता है, फिर मिडिल पार्ट उस साउंड को जो है कलेक्टेड साउंड को वाइब्रेशन में कन्वर्ट करता है, और फिर वो वाइब्रेशन में कन्वर्ट करने के बाद इनर पार्ट जो है ना उसको वो सिग्नल में यानी कि ऑडिटरी या नर्व इंपल्सिस में कन्वर्ट कर देता है। और नर्व इंपल्सिस जो होते हैं ना वो ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन को भेज दिए जाते हैं, ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है ना स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर या वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर की हम जो है समझ सकते हैं, ठीक है। Now we discuss the characteristics of sounds, है ना। तो हमारे यहाँ पे दो characteristics होते हैं sounds के, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। नंबर वन होता है loudness and नंबर टू है pitch। loudness क्या होता है, loudness of sound depend on the amplitude of the vibrations। amplitude क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूं कि जैसे ये हमारा mean position है ना, अगर मैं इसको यहां तक जो है ना डिस्प्लेस करूं तो इसका ये एम्पलीट्यूड हो जाता है, यानी कि मीन पोजीशन से इस तरीके से अगर हमने डिस्प्लेस किया तो ये जो वैल्यू है ये उसका वो हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। अगर मैं इसको और ज्यादा बढ़ाऊं तो ये एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, अगर मैं इसको और करूं तो ये एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। तो मीन पोजिशन से अगर ये इतना वाइब्रेट हो रहा है तो इसका एम्पलीट्यूड कम है, और इस तरीके से वाइब्रेट होगा तो इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है वो जो मीन पोजिशन से कितना डिस्प्लेस होता है, तो वो एम्पलीट्यूड होता है। तो ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है हमारा लाउडनेस। लाउडनेस का मतलब होता है साउंड हमारा धीमे आ रहा है कि तेज आ रहा है ना, मतलब जोर से आवाज आ रहा है, ठीक है। तो व्हेन द एम्पलीट्यूड इज लार्ज, जब एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है साउंड प्रोड्यूसेस लाउड, तो ज्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है। लाउड साउंडनेस ना, द लाउडनेस ऑफ एक्सप्रेस्ड, द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल। ये जो लाउडनेस है ना, जिसको हम डेसिबल में रिप्रेजेंट करते हैं, डीबी डेसिबल, है ना।
साउंड हैविंग ए वैल्यू अबव 90 डेसिबल इज पेनफुल फॉर द ईयर्स, यानी कि अगर किसी साउंड का वैल्यू 90 डीबी से ज्यादा है तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। हम अगर कंटिन्यूसली अगर 90 डीबी से ऊपर के साउंड को कंटिन्यूसली अगर हम सुनेंगे तो हमारे ईयर्स जो है ना प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे, हो सकता है ब्लीडिंग भी होना शुरू हो जाए या हियरिंग लॉस भी हो सकता है हमारा। तो जो हमारा नॉर्मली जो ऐसे हम ब्रीथ करते हैं तो जो हमारा ब्रीथ का साउंड आता है आपने सुना होगा, तो ब्रीथ का साउंड जनरली 5 डेसिमल के आसपास का रहता है ना, ब्रीथिंग का टाइम का है ना। और उसके बाद नॉर्मली हम जो टॉकिंग करते हैं, नॉर्मली टॉकिंग वो जनरली 30-40 डीबी की रेंज पर रहती है। और एक कोई जैसे टीचर पढ़ा रहा है या फिर कोई जैसे छोटा मोटा स्पीच हो रहा है विदाउट माइक के, तो वहां पे जो साउंड होता है वो साउंड हमारा लगभग 60 डेसिबल के आसपास पहुंच जाता है। और जो ट्रैफिक वाला साउंड देखा होगा, ट्रैफिक में आपने देखा होगा कि जो ट्रैफिक में हॉर्न व्हीकल्स के रहते हैं ये सब चीजें रहते हैं, वो करीब करीब 70 डेसिबल के रहते हैं हमारे, है ना। तो और एक एवरेज फैक्ट्री का साउंड है जो मशीन पार्ट्स रन करते हैं, एक एवरेज फैक्ट्री जो होती है ना उसका साउंड होता है वो हमारा नियर अबाउट 80 डेसिबल का होता है। तो इस तरीके से अगर ये एवरेज हमारे पास हो जाता है तो यानी कि अगर आप एक एवरेज फैक्ट्री साउंड आप सुनते हैं तो वो 80 डेसिबल के रेंज का है। अगर उससे और ज्यादा अगर आपने साउंड सुना, जैसे हमारा हॉर्न ऑफ ट्रेन है या हमारा जो एरोप्लेन का आवाज है, ये कंटिन्यूसली अगर आपने है ना, या फिर जो साइरन बजता है कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में साइरन बजता है, तो ये जो साउंड है ये जो है मोर देन 90 डेसिबल का होता है। अगर ये साउंड कंटिन्यूसली अगर हम सुनेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो 90 डेसिबल से साउंड हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, बिलो 90 डेसिबल को हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा पिच। पिच द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस डिटरमाइन द पिच और श्रिलनेस ऑफ द साउंड, श्रिलनेस या पिच हम बोलते हैं, यानी कि किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि जैसे ये हमारे पास है तो ये एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं, है ना, एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, तो वो हमारा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है ना। तो द मोर इज द फ्रीक्वेंसी देन हायर द पिच, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो पिच ज्यादा हो जाएगी, है ना। और इस जो चीज है ना हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं इससे एग्जांपल के हेल्प से, कि ड्रम प्रोड्यूस लो फ्रीक्वेंसी साउंड। तो जैसे अपने ड्रम ये बजाया और एक विसिल बजाते हैं, विसिल और ड्रम दोनों ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन विसिल का साउंड जो होता है वो ज्यादा पिच, हाई पिच रहता है। हाई पिच का मतलब होता है ये ज्यादा इंटेंस होता है, ड्रम का साउंड जो है ज्यादा इंटेंस नहीं रहेगा। पिच का मतलब ऐसा भी कह सकते हो कि ज्यादा मोर इंटेंसिटी, यानी कि ज्यादा इंटेंसिटी होता है विसिल के साउंड में और ड्रम के साउंड में कम इंटेंसिटी होता है, यानी कि विसिल अगर कहीं बज रहा है तो हमारे कानों में एकदम से झन्ना जाते हैं, लेकिन ड्रम का साउंड बजेगा तो हमारे कान एकदम से झन्नाएंगे नहीं। तो ये जो होता है जो ज्यादा इंटेंस होता है, ज्यादा कानों में घुस जाती है विसिल का साउंड, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी पिच ज्यादा होगी, पिच ज्यादा होगी मतलब वो ज्यादा इंटेंस होगा, है ना। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो है टाइप्स के साउंड होते हैं, तो आप उस चीजों को समझ सकते हैं। लेकिन एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि 90 डेसिबल से ऊपर के साउंड को सुनना हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान वाला हो सकता है, तो प्लीज अवॉइड कीजिए। अगर आप ऐसे कहीं प्लेसेस पे हो या फिर ऐसी कहीं जगह पे हो तो आप इन चीजों को अवॉइड कीजिए। 90 डेसिबल के साउंड, ऊपर के साउंड को सुनना हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, सो प्लीज बी केयरफुल। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड, ऑडिबल साउंड का मतलब होता है जिसको हम सुन पाते हैं, इनऑडिबल का मतलब होता है जो हम नहीं सुन सकते, यानी ह्यूमन बींग्स के हिसाब से अगर बात करें तो, है ना, क्योंकि ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड ह्यूमन बींग्स के बेसिस पे ही जो है ना इसको कैटेगराइज किया गया है। यानी जो साउंड हम सुन पा रहे हैं, यानी ह्यूमन बींग सुन पा रहे हैं उसको ऑडिबल साउंड बोल दिया, और जो हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं उसको इनऑडिबल साउंड बोल दिया। लेकिन साउंड एनर्जी जो है वो हर रेंज की होती है ना, साउंड एनर्जी हर रेंज की होती है, लेकिन हर रेंज की फ्रीक्वेंसी को हम नहीं सुन सकते, इसीलिए उसको हमने इनऑडिबल बोल दिया है, ठीक है। तो हम एक एक करके समझते हैं इनको। ऑडिबल साउंड्स, ऑडिबल साउंड फॉर ह्यूमन हैव द फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 20 to 20,000 हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है इसका यूनिट है फ्रीक्वेंसी का, जैसे टाइम का यूनिट होता है सेकंड, मास का यूनिट होता है केजी, है ना, वैसे ही हमारा जो फ्रीक्वेंसी है उसका यूनिट है हर्ट्ज, एच जेड से रिप्रेजेंट करते हैं हर्ट्ज। इसको 20,000 को हमने 20 किलो भी लिख दिया है ना, क्योंकि ये 1,000 का मतलब होता है 1 किलो, तो 20,000 वाला 20 किलो हर्ट्ज तक भी ये होता है, यानी कि जो साउंड को हम सुन पा रहे हैं वो साउंड हमारा 20 फ्रीक्वेंसी से लेकर 20,000 फ्रीक्वेंसी के रेंज का होता है हमारा साउंड, ठीक है। द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज और मोर देन 20 हर्ट्ज कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर्स, सच साउंड आर कॉल्ड इनऑडिबल साउंड्स। यानी कि ये जो हमारी ऑडिबल रेंज जो है,
है ना, ये हमारी ऑडिबल रेंज है, इसके बीच के साउंड को ही हम सुन पाते हैं। इससे ऊपर वाले यानी कि 20,000 के ऊपर का जो साउंड है, 20,000 हर्ट्ज के जो ऊपर का साउंड है या 20 हर्ट्ज के बिलो साउंड है, यानी ये रेंज हुई हमारी ऑडिबल रेंज, इसके बिलो वाला और इसके एबव वाला साउंड हम नहीं सुन सकते। तो वो जो एबव और बिलो वाला जो साउंड है उसको हमने बोल दिया इनऑडिबल साउंड, जिसको हम नहीं सुन सकते हैं, समझ। तो ये तो आपको पता चल गया कि 20 से 20,000 के बीच में ही हम सुन सकते हैं, ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी होनी चाहिए, 20 to 20,000 हर्ट्ज के बीच में फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तो उस साउंड को हम सुन सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द ऑडिबल साउंड्स, या हम ये कहें कि हमारे ह्यूमन बींग्स की ऑडिबल रेंज क्या होती है ना, ऑडिबल साउंड क्या होता है, ऑडिबल रेंज क्या होती है, ऑडिबल रेंज क्या होती है, 20 to 20 kHz हमारी ऑडिबल रेंज होती है। ऑडिबल साउंड क्या होता है, जो साउंड हम सुन सकते हैं वो हमारा ऑडिबल साउंड होता है, समझ में आ गया। फिर अल्ट्रासोनिक साउंड्स, या अल्ट्रासोनिक भी सिंपल बोल देते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स भी बोल देते हैं। तो अल्ट्रासोनिक क्या होता है, द साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी लाइज अबव द 20,000 Hz, यानी कि ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 के ऊपर हो उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड्स, है ना। डॉग्स बैट कैन प्रोड्यूस या कैन हियर सच साउंड्स, यानी बैट्स और डॉग जो होते हैं ना वो ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम नहीं सुन सकते। इसलिए आपने एक चीज देखा होगा, अक्सर देखा होगा कि हर किसी को एक्सपीरियंस होगा, डॉग्स जो होते हैं जनरली वो स्लीप कर रहे होते हैं लेकिन सडनली वो एकदम खड़े हो जाते हैं, उठ खड़े होते हैं, और हम जब देखते हैं चारों तरफ तो हमें कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन डॉग्स क्या करते हैं, वो एकदम से उठ खड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई सारे लोगों घरों में डॉग जो है एज ए पेट्स एनिमल होगा, तो हम लोग नॉर्मली बिहेव बात कर रहे हैं और डॉग बैठा होगा तो सडनली वो एक्टिव हो जाता है और वार्किंग शुरू कर देता है ना। तो क्यों कर देता है, क्योंकि उस वो जो है अल्ट्रासोनिक साउंड को रिसीव करता है, तो उसको कुछ वेव्स ऐसी रिसीव हो जाती हैं जिससे वो समझ जाता है कि कुछ तो है, लेकिन हम उन वेव्स को रिसीव कर नहीं पाते तो हमें पता नहीं चलता है ना। तो इसलिए डॉग्स बैट्स जो है ना ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, इसी में ये कम्युनिकेट करते हैं जो हमें सुनाई नहीं देता है, ठीक है। इंफ्रासोनिक साउंड्स क्या है, द साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी लाइज बिलो द 20 Hz, यानी कि जो 20 Hz के नीचे है उनको इंफ्रा बोलेंगे, 20,000 के ऊपर है उसको अल्ट्रा बोलेंगे। तो इंफ्रासोनिक साउंड्स जो है ना हमारा 20,000 Hz के नीचे होता है। जनरली व्हेल्स और एलिफेंट जो होते हैं ना वो इस साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो वो कम्युनिकेट करते हैं, तो वो साउंड में कम्युनिकेट करते हैं, व्हेल्स है ना इंफ्रासोनिक साउंड में कम्युनिकेट करते हैं, जो कि हम नहीं डिटेक्ट कर सकते, लेकिन ये स्पेशल है, अलग अलग एनिमल्स है उनकी अलग अलग हियरिंग रेंज होती है, लेकिन हम ह्यूमन बींग्स की हियरिंग 20 Hz से 20,000 Hz के बीच में हम सुन सकते हैं। बिलो एंड अबव वी कैन नॉट हियर, तो हमको पता भी नहीं रहता कि कोई साउंड है कि नहीं है, है ना। तो इसीलिए जो है 20,000 से ज्यादा साउंड को हम नहीं सुन सकते, जो साउंड हम सुनाई दे रहा है मतलब वो इसी रेंज के है, क्लियर। तो इस तरीके से इस चीज को हम आसान। स्टूडेंट्स नाउ वी डिस्कस नॉइस एंड म्यूजिक, है ना। नॉइस और म्यूजिक क्या होते हैं ये आप अच्छे से जानते हो, है ना, क्योंकि जब आप क्लास में बैठे होते हो तो किस तरीके से नॉइस क्रिएट करते हो हम सब समझते हैं, आप भी समझते हो, तो उस टाइप के साउंड को हम नॉइस बोलते हैं और किस टाइप के साउंड को हम म्यूजिक बोलते हैं ना। ए साउंड दैट प्रोड्यूस एन अनप्लीजेंट और जैरिंग इफेक्ट ऑन अवर ईयर्स इज कॉल्ड नॉइस, यानी कि एक ऐसा साउंड जो अनप्लीजेंट इफेक्ट यानी कि हमको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, इरिटेटिंग लग रहा है, तो ऐसे साउंड को हम क्या बोलेंगे, नॉइस बोलेंगे, चाहे भले ही वो कहीं से भी कोई भी सोर्स हो, सोर्स मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर ऐसा साउंड जो हमें सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है तो वो हम उसको नॉइस के कैटेगरी में डालते हैं। वहां पे होता क्या है कि जो वेवफॉर्म्स होते हैं वो इररेगुलर पैटर्न होता है, यानी कि वो एक रेगुलर पैटर्न नहीं होता है, कहीं पे भी एकदम सडनली हाई हो जाएगा, सडनली लो हो जाएगा, या फिर वो अपने एक इररेगुलर पैटर्न को शो करता है। तो इस तरीके से ये जो वेवफॉर्म होते हैं ना, इस टाइप का जो वेवफॉर्म बनाया है ना, ये हमारा नॉइस को शो कर रहा है ना। और हॉर्न ऑफ बसेस एंड ट्रक्स जनरली जो भी है, ये सब हमारा व्हीकल्स जब हम मार्केट में जाते हैं तो रश होता है, तो वहां पे जो व्हीकल्स के जो हॉर्न होते हैं ये सब हमारा जो है नॉइस की कैटेगरी में आता है, क्योंकि हमें कभी भी सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो जो साउंड हमको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है उसको हम नॉइस बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर हम प्लीसेंट साउंड की बात करें, यानी साउंड दैट प्रोड्यूस अ प्लीसेंट इफेक्ट, प्लीसेंट का मतलब होता है बहुत अच्छा, अच्छा लगना, सुनने में मजा आ जाना है ना, ऑन अवर ईयर्स इज कॉल्ड म्यूजिकल साउंड्स। तो ऐसा साउंड जो हमें प्लीसेंट इफेक्ट हमारे कानों पर उसका पड़ता है या छोड़ता है, तो उसको हम म्यूजिकल साउंड बोलते हैं। साउंड प्रोड्यूस बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो जनरली हमें सुनने में
अच्छा लगता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि गिटार और वायलिन की बात करें। कई सारे लोग टेबल को ठोक के भी बहुत अच्छा साउंड बजा निकाल देते हैं, कई लोग बर्तन को ऐसे ठोक ठोक के भी साउंड निकालते हैं। तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा साउंड निकालना जिससे सुनने में मजा आ रहा है, उसी को हम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, है ना। तो जरूरी नहीं कि हम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं तो गिटार की ही बात करेंगे, है ना। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट किसी भी टाइप का हो सकता है हमारा, है ना। तो उसके थ्रू जो साउंड हमारा जो प्रोड्यूस होता है, जो हमें प्लीसेंट इफेक्ट हमें देता है, उसको हम बोलते हैं जो है म्यूजिकल साउंड या म्यूजिक बोलते हैं उसको, है ना। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, बट इफ ए म्यूजिकल साउंड बिकम्स टू लाउड, अगर यही म्यूजिकल साउंड जो अभी हम बोल रहे हैं प्लीसेंट इफेक्ट दे रहा है, वही म्यूजिकल साउंड अगर टू लाउड हो जाए तो इट विल बिकम्स नॉइज, तो हम उसको फिर नॉइज की कैटेगरी में डाल देंगे। और ये जो वेवफॉर्म है वो हमारा म्यूजिकल साउंड का वेवफॉर्म है, एक रेगुलर वेवफॉर्म है, रेगुलर पैटर्न यहाँ पे फॉलो करता है। तो आप वेवफॉर्म से भी दोनों को देख सकते हैं कि नॉइज का जो वेवफॉर्म है वो कितना इरेगुलर है और म्यूजिक का जो वेवफॉर्म है वो कितना रेगुलर है। लेकिन अगर म्यूजिक भी कभी कभी नॉइज बन जाता है, अगर वो बहुत ज्यादा लाउड हो जाए या कोई भी जो प्लेयर्स हैं जो म्यूजिक को जो इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं वो एक डिसऑर्डर या एक अलग अलग ऑर्डर में अपना अपना चलाएंगे तो वहां पे भी वो क्या बन जाता है, नॉइस बन जाता है। तो इस तरीके से हम नॉइस और म्यूजिक के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। डिस्कस नियर अबाउट द लास्ट टॉपिक, दीज आर द लास्ट टॉपिक। इसके बाद एक टॉपिक और है, वो है हमारा हियरिंग इंपार्टमेंट, है ना। हियरिंग इंपार्टमेंट को लास्ट टॉपिक है वो हम समझेंगे। तो देखिए नॉइस पॉल्यूशन, यानी नॉइस पॉल्यूशन क्या है, तो नॉइस क्या होता है वो हमें अच्छे से पता है कि अनप्लीसेंट इफेक्ट वाले साउंड को हम नॉइस बोलते हैं। तो पॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यानी एनवायरमेंट में अगर ऐसी साउंड का ज्यादा हो, है ना, तो वो हमारा नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है। जैसे मार्केट में अपन जाते हैं तो क्या होता है, कोई कुछ चिल्ला रहा है, कोई कुछ चिल्ला रहा है, कोई वॉर्न का व्हीकल मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये क्या होता है, मतलब एक डिसऑर्डर हो जा रहा है। तो वहां पे क्या हो गया, एनवायरमेंट में ऐसे साउंड है, है ना, जो किसी को समझ नहीं आ रहा है और सबको इरिटेट कर जा रहा है, तो वो क्या होगा, नॉइस पॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाता है, है ना। प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड और अनप्लीसेंट साउंड इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड नॉइस पॉल्यूशन, यानी कि हमारे एनवायरमेंट में अगर ऐसा साउंड प्रोड्यूस हो जो हमारे लिए अनप्लीसेंट हो तो हम उसको क्या कहेंगे, नॉइस पॉल्यूशन कहेंगे। जनरली मेजर सोर्सेस क्या होते हैं, है ना, इसके जो मेजर सोर्स है, एयरक्राफ्ट है, मोटर व्हीकल्स है, लाउड स्पीकर्स है, लाउड म्यूजिक है, एक्सेट्रा, फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारे इसके सोर्सेस हैं। ये नॉइस पॉल्यूशन कहीं से भी क्रिएट हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि मैंने ये जो चार पॉइंट लिखे हैं उन्हीं से नॉइस पॉल्यूशन होता हो। नॉइस पॉल्यूशन कभी कभी हमारे घर में भी होता है, लाउड म्यूजिक में हम टेलीविजन देखते हैं या लाउड म्यूजिक में गाने सुनते हैं, एक दूसरा इरिटेट हो रहा है, किसी का पढ़ाई डिस्टर्ब होता है, तो ये हमारे घर में भी जो है ना नॉइस पॉल्यूशन हो जाता है। कभी घर में 2-3 ब्रदर सिस्टर्स होते हैं तो वो भी कभी कभी नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट कर देते हैं घर के अंदर। तो ऑल दीज आर द नॉइस पॉल्यूशन, यानी जहां हमें सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है तो वो हमारा जो है नॉइस हो जाता है, और ऐसा नॉइस एनवायरमेंट में भी रहता है अवेलेबल तो वो हमारा नॉइस पॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, यानी कि कुछ ऐसे बहुत ज्यादा हार्मफुल, बहुत ज्यादा डेंजर इफेक्ट है हमारे नॉइस पॉल्यूशन के, अगर हम कंटिन्यूअसली नॉइस पॉल्यूशन को कुछ समय तक अगर सुनते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो मैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे नॉइस पॉल्यूशन से। नंबर वन है कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू नॉइस, यानी कि नॉइस जो है अगर हम उस पर कंटिन्यूअसली उस वातावरण में है, उस एनवायरमेंट में कंटिन्यूअसली अगर है, तो नॉइस का मतलब जनरली 85 डेसिबल के ऊपर हमारा होता है। तो जो हॉर्न ऑफ व्हीकल्स वगैरह ये सब जो है 85 डेसिबल के ऊपर आ जाते हैं, कैन कॉज टाइर्डनेस, हेडेक और ग्रेजुअल लॉस ऑफ हियरिंग। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, टाइर्डनेस और हेडेक, तो चलो ठीक है आज भी तो कल ठीक भी हो जाएगा, है ना। हेडेक के लिए हमने चलो बाम लगा लिया है, है ना, टाइट हो गए तो चलो हमने फ्रेश जो है ना सावर ले लिया है और हमने फ्रेश खाना खा लिया है जो भी है, तो हमारी टाइटनेस भी जा सकती है, हेडेक भी हमारा दूर हो सकता है। लेकिन ये सबसे बड़ा ध्यान देना, ग्रेजुअल लॉस ऑफ हियरिंग, इसको क्या करोगे, अगर हम कंटिन्यूअसली ऐसे एनवायरमेंट में है जहां पर नॉइस रोज होता है, नॉइस प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है, तो हमारी जो हियरिंग पावर वो धीरे धीरे कम भी हो सकती है, ठीक है। सडन एक्सपोजर टू लाउड नॉइस, कभी कभी क्या होता है एकदम सडन ब्लास्ट होता है कभी, या कुछ ऐसा जब सडन एक्सपोजर होता है नॉइस का, यानी ये 120 डेसिबल से ऊपर का होता है, जब इस तरीके से सडन एक्सप्लोजन होता है कहीं टायर ब्लास्ट होता है कुछ होता है, तो ये 120 डेसिबल के ऊपर जाता है, तो कैन कॉज द परमानेंट हियरिंग लॉस। ऐसा कभी कभी क्या होता है, कई सारे लोगों का जो है ऐसा कोई एकदम ब्लास्ट होता है या बॉम्ब गिरता है, ऐसा कोई आवाज सुनते हैं सडन एक्सपोजर 120 डेसिबल से ऊपर के साउंड को,
तो उनका परमानेंट हियरिंग जो है प्रॉब्लम्स लॉस हो जाता है, सुनने की क्षमता उनकी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि ऐसे प्लेस पे नहीं जाना है जहां पर जो है ना नॉइज पॉल्यूशन हो, बहुत ज्यादा लाउड साउंड हो, ऐसी जगह पे हमें नहीं जाना है, हमें आपको बचाना चाहिए वहां जाने से। लैक ऑफ स्लीप है ना, मेनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर्स मे बी कॉज्ड बाय द नॉइज पॉल्यूशन, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, है ना। नॉइस पॉल्यूशन से जरूरी नहीं कि मैंने दो तीन पॉइंट लिखे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं नॉइस पॉल्यूशन से। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप ऐसे जगह पर जाने से अवॉइड कीजिए जहां नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, तो जिससे क्या, क्योंकि कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है, परमानेंट हियरिंग लॉस तक भी हो सकता है नॉइस पॉल्यूशन से। अच्छी इस चीज को ध्यान रखना है, तो ये सब चीजों को अवॉइड करना है। अगर परमानेंट लॉस हमारा हियरिंग लॉस हो गया तो सोचे हमारा लाइफ तो कितना एकदम जो है ना बेकार हो जाएगा, तो इस चीजों को अवॉइड करना है। ठीक है, जो नॉइस पॉल्यूशन है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो नॉइस पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जैसे हमारे घर में जो है लाउड म्यूजिक कोई टेलीविजन सुन रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, उस म्यूजिक को थोड़ा सा उनके रिक्वेस्ट करके या फिर जो म्यूजिक जो टेलीविजन है हम ऐसे रूम में शिफ्ट कर सकते हैं जहां पे हम ज्यादातर यूटिलाइज नहीं करते, तो साइड में हम साइड वाले रूम में शिफ्ट करके हम उस म्यूजिक को या इस नॉइस को कंट्रोल कर सकते हैं। या हमारे जो घर के आस चारों तरफ फैक्ट्रीज वगैरह हैं तो उन फैक्ट्रीज को हम गवर्नमेंट के एप्लीकेशन लेके उनको हम शहर के बाहर जो है ना इस्टेब्लिश करवा सकते हैं, है ना। और हमारे जो व्हीकल्स है उसमें साइलेंसर यूज करके, अगर आपने देखा होगा कभी किसी बाइक का या किसी किसी कार का या किसी भी व्हीकल का साइलेंसर जो होता है ना, जिसमें से बाहर से साउंड या जो हमारे स्मोक निकलता है, एग्जॉस्ट मटेरियल निकलता है ना, अगर वो साइलेंसर हटा देते हैं तो उसका साउंड कैसा होता है, और साइलेंसर लगा देते तो कितना साउंड जो है ना नॉर्मली इजिली निकल जाता है। तो ये जो चीजें हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है हमारा, वो है हियरिंग इम्पार्टमेंट। तो हियरिंग इम्पार्टमेंट क्या होता है, ये हमारी सुनने की क्षमता, यानी कि बल्ला हमें सुनाई ही नहीं देता है। तो कई बार ये सारी प्रॉब्लम्स कोई ऑल ऑफ सडन आ जाती है, कई बार बाई बर्थ भी होता है लोगों को। तो हियरिंग इम्पार्टमेंट कई तरीके से हो सकता है, बाई बर्थ भी होता है या फिर किसी इंसिडेंट की वजह से भी हियरिंग इम्पार्टमेंट हो सकता है, ये पार्शियली भी हो सकता है और ये परमानेंटली भी हो सकता है। तो ये जो है ना क्यूरेबल है ना, लेकिन क्यूरेबल इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रॉब्लम आ गई तो, या फिर हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां से हमें प्रॉब्लम आ रही है तो हमें अवॉइड करना चाहिए। इस तरीके से ये एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैप्टर का खत्म हो गया है। इसके बाद आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को डिक्टेट कर सकते हैं, जो पॉसिबल क्वेश्चन एंड आंसर है ना इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।